ज्ञाननाथ के साथ आज 4, 5 और 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मुबारक में होने वाली धर्म संसद की सफलता के लिए कुल्लू का दौरा करके यहां के नागरिकों से सहायता मांगी और प्रेस क्लब कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित किया। इस धर्म संसद की जो तारीख है वो 4, 5 और 6 मार्च की निर्धारित करी गई है। ये ऊना जिले के मुबारकपुर में होनी है और इसका मेन उद्देश्य छोटे से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि जब इस देश में ये देश इस्लामिक बन जाएगा तब यहाँ पे सनातनियों का भविष्य क्या होगा, और दूसरा कि पूरी दुनिया की कम्युनिटी के पास अपने अपने देश हैं, हम हिंदुओं का ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि हमारे पास कहने के लिए अपना एक इंच का टुकड़ा भूमि का नहीं। इन्हीं दो मुख्य प्रश्नों के ऊपर ये धर्म संसद है। बाकी भी इसके संत लोगों के जो भी मुद्दे होंगे, जो भी जिसका दर्द होगा वो धर्म संसद में आके अपने विचार रख सकता है। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ कुल्लू में इस प्रेस क्लब में उपस्थित हुए हैं सब लोगों को इस धर्म संसद का आमंत्रण देने के लिए। हिमाचल प्रदेश में क्या, इसमें पूरे भारत से लोग आएंगे, इसमें सब हिंदू संगठन हैं। हम अभी पूरे हिमाचल के 12 जिलों के अंदर मतलब ये निमंत्रण लेके जा रहे हैं सब धर्मगुरुओं के पास में, और हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब धर्मगुरुओं का मानना है कि अपने धर्म के प्रति चिंता करना एक संत का अधिकार है, उसका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि वो हिंदू के दिए हुए पैसे से अन्न खाता है। तो उस हिंदू का जिसका वो अन्न खाता है उसके ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो संतों को ही उनको जगाना पड़ता है, संत का ही धर्म ये बनता है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं।